देश के आम चुनाव हों या प्रदेशों के विधानसभा चुनाव, किसान और पिछड़ों को लेकर राजनीति मुद्दा हर एक चुनाव का मुद्दा होता है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ों और किसानों की राजनीति हाल ही के चुनाव में शुरू हुई हो। पिछड़ों और किसानों की राजनीति 60 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब लोहिया ने कांग्रेस और हिंदुस्तानी वामपंथ के खिलाफ पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इस नारे की एंट्री विधानसभा चुनाव में भी हुई। सीएम पद की महत्वाकांक्षा लिए चौधरी चरण सिंह ने इस नारे का सहारा लेकर कांग्रेस के खिलाफ बगावत फूकी और विधानसभा चुनाव में पिछड़ों और किसानों की राजनीति की एंट्री यहीं से हुई। 1951 में पहली बार आम चुनाव के बाद यूपी की पहली विधानसभा चुनाव का गठन हुआ। उसके बाद से 3 विधानसभा चुनाव में स्थितियां सामान्य रहीं। तीसरी विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चंद्र भानु गुप्ता बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। जब हरित क्रांति की बातें चल रही थी, पिछड़ी जातियां और खेती करने वाले आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे, लोहिया ने संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया। चरण सिंह को लोहिया के इस नारे के बहाने अपनी राजनीति को उड़ान देने का रास्ता मिल गया। चरण सिंह पिछड़ों और किसानों की बातें करने लगे। अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कई मुद्दों पर खड़े हो गए। पिछड़ों और किसानों में उनका कद बढ़ने लगा। 1967 में 4th विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उनकी सीटें कम हो गईं। किसी तरह सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह सीएम की महत्वाकांक्षा लिए थे, लेकिन एक बार फिर से चंद्रभानु गुप्ता को सीएम बना दिया गया। चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि उन्होंने सीएम ना बनाए जाने का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और किसानों के मुद्दों पर काम नहीं कर रही है और जिसके चलते वह पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस के 16 अन्य विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी और चरण सिंह के साथ आ गए। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई। भानु की सरकार 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल तक ही रही, मतलब चंद्र भानु गुप्ता महज 19 दिन के लिए ही सीएम रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह पहली विधानसभा थी जो अल्पमत में आकर गिर गई थी। 3 अप्रैल 1967 में चौधरी चरण सिंह को यूपी का नया सीएम बनाया गया। वह भी सिर्फ 25 फरवरी 1968 तक, महज 328 दिन तक के लिए ही सीएम रहे। उसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1 साल 1 दिन के राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से चुनाव हुए और एक बार फिर से चंद्र भानु गुप्ता सीएम बने। लेकिन चंद्र भानु गुप्ता की यह सरकार फिर अस्थिर रही और फिर से चुनाव हुए। इस चुनाव में पिछड़ों और किसानों को मुद्दा बनाते हुए चौधरी चरण सिंह ने एक बार फिर से चुनाव जीता और वह उत्तर प्रदेश के सीएम बने।